पहले फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमले के बाद रिपब्लिकन सम्मेलन के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी की रैली की सुरक्षा की समीक्षा के लिए निर्देश। कहा ट्रंप पर हुए हमले की जांच तेजी से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। कहा राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केपी शर्मा ओली आज लेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। चौथी बार संभालेंगे प्रधानमंत्री का पद। राष्ट्रपति दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 14 जुलाई को 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई, जो पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 मिलियन की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव किया पास। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को हमने माफिया मुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विपक्ष लगातार गुमराह करके जाति की राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वो विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी। इसके लिए पार्टी शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थानों में नियमित भर्ती के साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। पुलिस जल्द ही रिमांड में लेकर मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से कुछ अहम जानकारी हासिल करेगी। इसे लेकर पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा है। इधर पुलिस की टीम कई प्रांतों में आजकों की तलाश में दबिश दे रही है। लखनऊ नगर निगम की बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों का आज होगा चुनाव। बीजेपी के 5 तो सपा से 1 सदस्य का होगा चयन। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं। अलीगढ़ में 8 थानों के एसएचओ का ट्रांसफर। एसएसपी ने जल्द चार्ज लेने के दिए निर्देश। जनसुनवाई में लापरवाही को लेकर हुए सख्त। बिना रिजर्वेशन कराए सामान्य टिकट पर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे राहत देगा। इसके लिए 11 जोड़ी ट्रेनों में जनरल कोच लगाए जाएंगे, जिससे आम यात्रियों का सफर आसान हो सके। लखनऊ में पक्का पुल पर अब केवल 2 पहिया वाहन गुजरेंगे। लोक निर्माण विभाग ने पुल के कमजोर होने की वजह से रास्ता किया बंद। 5 लाख लोग प्रतिदिन करते हैं सफर। ओडिशा में 76 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार में रखे हैं भगवान जगन्नाथ के कीमती आभूषण। 16 सदस्यीय समिति ने रत्न भंडार खोलने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के मदरसों में मुस्लिम युवाओं को रोजगार मेलों के आयोजन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगामी 15 अगस्त से होगी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर घटा। पिछले कई दिनों से बारिश के कारण सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। स्पेन ने जीता यूरो चैंपियनशिप का खिताब। रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से दी मात। 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बना स्पेन।